जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में रोमांचक मुकाबला खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी ये रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 23वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला गया, जहां पर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 171 रन बनाए, जहां पर पहले जब बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी थी तो हैदराबाद की टीम को पहला बड़ा झटका जॉनी बेस्टो के रूप में लगा, जहां पर जॉनी बेस्टो आज इस मुकाबले में 5 गेंदों में 7 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर दीपक चाहर के हाथों कैच आउट हुए, जिसके चलते हैदराबाद की टीम की तरफ से ये काफी बड़ा झटका था, क्योंकि जॉनी बेस्टो पिछले कुछ मुकाबलों में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते चले आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच डेविड वार्नर और मनीष पांडे ने पारी को यहां पर संभाला, जहां पर डेविड वार्नर ने आज के इस मुकाबले में 55 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली। हालांकि उनको लुंगी एनगिडी ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाया, जिसके चलते हैदराबाद की टीम को ये दूसरा बड़ा झटका लगा। तो वहीं दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर मनीष पांडे 61 रन बनाकर आउट हुए और यहां पर लुंगी एनगिडी ने उनको 5 डुप्लीसिस के हाथों कैच आउट करवाया, जिसके चलते मनीष पांडे की भी बेहतरीन पारी यहां पर समाप्त हुई। हालांकि दोस्तों, मनीष पांडे और डेविड वार्नर के आउट के बाद मैदान पर आए केन विलियमसन, जहां पर केन विलियमसन ने 10 गेंदों में 26 रन बनाए और केदार जाधव ने 4 गेंदों में 12 रन की पारी खेली, और इसी के साथ हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हो पाई। तो ही दोस्तों, फिर 172 रनों के जवाब में जब बल्लेबाजी के लिए चेन्नई सुपर किंग मैदान पर उतरी तो चेन्नई सुपर किंग के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ने यहां पर तूफानी बल्लेबाजी की। जी हां दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करी और अर्धशतकीय साझेदारी करने के बाद फिर पार्टनर 100 रन की पूरी करी, और इस दौरान फाफ डू प्लेसिस ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। और वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। हालांकि दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज यहां पर भी नहीं रुके, इन दोनों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत आज चेन्नई सुपर किंग की टीम ने इस मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति बना ली थी और अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबले को अपने नाम कायम कर पाई। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने आज काफी शानदार बल्लेबाजी करी, जहां पर आज हैदराबाद की थोड़ी सी गेंदबाजी फीकी दिखाई दी और इस मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने अपने नाम करने में सफलता हासिल करी। बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है चेन्नई सुपर किंग की टीम के बारे में, और आप चेन्नई सुपर किंग के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।